दिन 18 सितंबर, दिन 18 सितंबर अग्रवाल परिवार, दिन 18 सितंबर अग्रवाल परिवार 1906 में लिया काका ने अवतार, 1906 में लिया काका ने अवतार। आप सभी का आपके अपने चैनल जिंदगी फिर भी प्यारी है में बहुत बहुत स्वागत है। आज काका हाथरसी का जन्मदिवस है। ये मैं उनकी किताब पढ़ रही थी, मेरा जीवन A1, ये काका हाथरसी की आत्मकथा है जो उन्होंने लिखी है। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन के जो उन्होंने जिया उसे बहुत सारा इसके अंदर उन्होंने लिखा है। उसके अंदर एक बहुत अच्छी जो मतलब शुरुआतें मैंने पढ़ा वो बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं आपको सुनाती हूँ। पहली कविता का जन्म कैसे हुआ काका हाथरसी की। अब हुआ यूँ कि उनकी जो शिक्षा थी वो कुछ समय तक उनके घर में रही, वो हाथरस में पैदा हुए थे, हाथरस में हुई। उसके बाद में उनको उनके मामा के यहाँ भेज दिया गया आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब वहाँ पर उनको अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए एक वकील साहब आते थे, उनका नाम था लखीम चंद। अब लखीम चंद जी थोड़े मोटे हट्टे कट्टे गोल मटोल किस्म के इंसान थे। अब काका का हृदय कवि हृदय, अब वो भी हास्य रस से भरा हुआ, तो कविता ना फूटे ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो यहाँ से उनकी पहली कविता का जन्म हुआ। लेकिन इस कविता को पहले मैं आपको कविता सुनाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी उसके बाद क्या हुआ उनके साथ में। तो कविता इस तरह थी, वो कुछ चंद पंक्तियाँ थीं, पूरी कविता तो वो लिख ही नहीं पाए थे, तो वो मैं पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ पहले। एक पुलिंदा बांध कर दी उस पर सील, खोला तो निकले वहाँ लखीम चंद वकील। लखीम चंद वकील बदन में इतने भारी, बैठ जाए तो पंचर हो जाती है लारी। अगर कभी श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाए, पहिए चू चू करें ऊंट को मिर्गी आए। अब जी इतनी कविता तो लिखी थी उन्होंने। उसके बाद में उनका एक सहपाठी जो उनके साथ में ही उनके साथ अंग्रेजी पढ़ता था वकील साहब के यहाँ, वो उनसे वो कागज़ छीन के भाग गया और ले जा कर के दे दिया वकील साहब को। अब वकील साहब ने वो कविता पढ़ी, उसके बाद में जो पिटाई हुई है काका की, वो उन्हें जब तक उन्होंने किताब लिखी है वो उसमें लिखते हैं कि मुझे वो पिटाई आज तक याद है। अब इस तरह उनकी पहली कविता जो हास्य रस से भरी हुई थी यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद में उन्होंने कुछ नाटकों में भी भाग लिया, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी कविताएँ सुनाई। आज जो मैं आपके लिए उनकी कविता लेकर आई हूँ उसके अंदर उन्होंने नाम और ऑलमोस्ट हम लोग ये देखते हैं कि किसी का नाम कुछ और होता है और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो उससे बिल्कुल विपरीत होता है। तो आज जो मैं कविता उनकी लेकर आई हूँ आपके लिए, उस कविता का शीर्षक है नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो शुरू करते हैं कविता को। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर। नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और, शक्ल अक्ल कुछ और नैन सुख देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए एचक ताने। कह काका कवि दया राम जी मारे मच्छर, विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। मुंशी चंदा लाल का तार कोल सा रूप, श्याम लाल का रंग है जैसे खिलती धूप। जैसे खिलती धूप सजे बुरशेट पेंट में, ज्ञान चंद 6 बार फेल हो गए 10th में। कह काका ज्वाला प्रसाद जी बिल्कुल ठंडे, पंडित शांति स्वरूप चलाते देखे डंडे। आगे कहते हैं काका, देख अशरफी लाल के घर में टूटी खाट, सेठ छदम्मी लाल के मील चल रहे 8, मील चल रहे 8 कर्म के मिटे न लेखे, धनी राम जी हमने प्राय निर्धन देखे। कह काका कवि दूल्हे राम मर गए कंवारे, कह काका कवि दूल्हे राम मर गए कंवारे, बिना प्रियतमा तड़पे प्रियतम सिंह बेचारे। दीन श्रमिक भड़का दिए करवा दी हड़ताल, मिल मालिक से खा लिए रिश्वत दीन दयाल। रिश्वत दीन दयाल कर्म में ठोक रहे हैं, ठाकुर शेर सिंह पर कुत्ते भोंक रहे हैं। कह काका काका 6 फिट लंबे छोटू राम बनाए, काका 6 फिट लंबे छोटू राम बनाए, नाम दिगंबर सिंह वस्त्र 11 लटकाए। पेट ना अपना भर सके जीवन भर जगपाल, बिना सूंड के सैकड़ों मिले गणेशी लाल। मिले गणेशी लाल पेंट की क्रीज संभारी,
मिले गणेशी लाल पेंट की क्रीज संभारी, बैग कुली को दिया चले मिस्टर गिरधारी। कह काका कविराय करे लाखों का सट्टा, नाम हवेली राम किराए का है अट्टा। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भागचंद की आज तक सोई है तकदीर बहुत से देखे भाले। निकले प्रिय सुखदेव सभी दुख देने वाले, कह काका कविराय आंकड़े बिल्कुल सच्चे बालक राम ब्रह्मचारी के 12 बच्चे। चतुर सैन बुद्धू मिले बुद्ध सैन निर्बुद्ध, श्री आनंदी लाल जी रहे सर्वदा क्रुद्ध मास्टर चक्कर खाते, इंसानों को मुंशी तोता राम पढ़ाते। कह काका बलवीर सिंह जी लटे हुए हैं, थान सिंह के सारे कपड़े फटे हुए हैं, बेच रहे हैं कोयला लाला हीरा लाल, सूखे गंगा राम जी रूखे मक्खन लाल झींकते दादा दादी, निकले बेटा आशा राम निराशावादी। कह काका कवि भीमसेन पिद्दी से दिखते, कवि कर दिनकर छायावादी कविता लिखते। कवि दिनकर के लिए कहा है इसने। आकुल व्याकुल दिखते शर्मा परमानंद, कार्य अधूरा छोड़कर भागे पूरन चंद अमरजी मरते देखे, मिश्री बाबू कड़वी बातें करते देखे। कह काका भंडार सिंह जी रोते थोते, बीत गया जीवन विनोद का रोते धोते। शीला जी लड़ रही हैं भाई, अब जो हम औरतें हैं उनके ऊपर भी तो लिखेंगे ना, हमारे नामों के ऊपर भी तो लिखा जाएगा ना, फीमेल्स के ऊपर भी। शीला जी लड़ रही सरला करती शोर, अब वो स्त्रीलिंग पर आ गए, अभी तक तो पुरलिंग नामों पर थे, अब स्त्रीलिंग नामों पर लिख रहे हैं। शीला जी लड़ रही सरला करती शोर, कुसुम कमल पुष्पा सुमन निकली बड़ी कठोर निर्मला मन की मैली, सुधा सहेली अमृत बाई सुनी विशैली। कह काका कवि बाबू जी क्या देखे तुमने, बिल्ली जैसी मिस लिली देखी है हमने। तेज पाल जी मौथरे मरियल से मलखान, लाला दान सहाय ने करी न कौड़ी दान बात अचरज की भाई, वंशीधर ने जीवन भर वंशी न बजाई। कह काका कवि फूल चंद जी इतने भारी, दर्शन करके कुर्सी टूट जाए बेचारी। खट्टे खारी खुरखुरे मृदुलाल जी के बैन, मृगनैनी के देखिए चिलगोजा से नैन चिलगोजा से नैन शांति करती दंगा, नल पर नहाती गोदावरी गोमती गंगा। कह काका कवि लज्जावती दहाड़ रही है, दर्शन देवी लंबा घूंघट काट रही है। अब आगे सुनते हैं। कलयुग में कैसे निभे पति पत्नी का साथ, चपला देवी को मिले बाबू भोलानाथ कहाँ तक कहें कहानी, पंडित रामचंद्र की पत्नी राधा रानी, काका लक्ष्मी नारायण की गृहिणी रीता, कृष्णचंद की वाइफ बनकर आई सीता। अज्ञानी निकले निरे पंडित ज्ञानी राम, कौशल्या के पुत्र का रखा दशरथ नाम मेल क्या खूब मिलाया, दूल्हा संत राम के आई दुल्हिन माया। काका कोई रिश्ता बड़ा निकम्मा, पार्वती देवी है शंकर की अम्मा। पूछना आधे इंच भी कहलाते हनुमान, मिले न अर्जुन लाल के घर में तीर कमान बदी करता है नेका, तीरथ राज ने कभी इलाहाबाद ना देखा। सत्यपाल काका की रकम डकार चुके हैं, विजय सिंह 10 बार इलेक्शन हार चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सुखी राम जी अति दुखी, दुखी राम अलमस्त, हिकमत राय हकीम जी रहे सदा अस्वस्थ,
रहे सदा अस्वस्थ प्रभु की देखो माया, प्रेमचंद ने रत्ती भर भी प्रेम न पाया। कह काका जब व्रत उपवासों के दिन आते, त्यागी साहब अन्न त्याग कर रिश्वत खाते। रामराज के घाट पर आता जब भूचाल लुढ़क जाए श्री तख्तमल, बैठे घूरे लाल रंग किस्मत दिखलाती, इतर सिंह के कपड़ों से भी बदबू आती। कह काका गंभीर सिंह मुंह फाड़ रहे हैं, महाराज लाला की गद्दी झाड़ रहे हैं। दूधनाथ जी पी रहे सपरेटा की चाय गुरु गोपाल प्रसाद के घर में मिली न गाय समझ लो असली कारण माखन छोड़ डालडा खाते ब्रज नारायण। काका प्यारे लाल सदा गुर्राते देखे हरिश्चंद्र झूठे केस लड़वाते देखे। रूप राम के रूप की निंदा करते मित्र चकित रह गए देखकर कामराज का चित्र थक गए करके विनती, याद राम को याद ना होती 100 तक गिनती। कह काका कविराय बड़े निकले बेदर्दी भरत राम ने चरत राम पर नालिश कर दी। नाम धाम से काम का क्या है सामंजस्य किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य भाग्य की मिटे न रेखा स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। कह काका कंठस्थ करो यह बड़े काम की, माला पूरी हुई 108 नाम की। तो यहाँ पर हमारी ये माला जो काका ने पूरे 108 नाम की करी है, वो माला जपते हैं तो उसमें 108 मन के होते हैं, आपको पता होगा। तो उन्होंने पूरे 108 नाम की ये माला बनाई और हर एक नाम को किस तरीके से उन्होंने कितने अच्छे से बताया है, और ये वास्तविकता है। हम लोग भी मोस्टली कई बार देखते हैं कि नाम से बिल्कुल विपरीत होता है इंसान का व्यक्तित्व। तो आपको ये कविता कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे सुनाने में, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा इसे सुनने में। तो अगर आपको मज़ा आया है, आपको कविता अच्छी लगी है, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ, और आप लोग कविता देखेंगे पर लाइक नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो इस बार लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगली बार फिर एक ऐसी ही मज़ेदार कविता लेकर आपके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत रहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।